बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस्माइल पटेल फिर आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज हम मुंबई से तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं। यहाँ पर अल्लाह की एक वली आराम फरमा है जिनका नाम हज़रत बुखारी सरकार है। आपका आस्थाना जो है गुजरात कच्छ, कच्छ में पड़ता है। कच्छ में मुंद्रा पोर्ट एक समुद्री इलाका है, बहुत बड़ा पोर्ट है। उधर ही अल्लाह की एक वली आराम फरमा जिनका नाम है हज़रत बुखारी सरकार। देखिए दोस्तों, मैं आपको बाबा जान के रोज़े का गुम्बद शरीफ दिखा रहा हूँ। ये गुम्बद शरीफ एकदम हूबहू मदीना मुनव्वरा में जो हमारे और आपके आका आराम फरमा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका गुम्बद शरीफ का ये हूबहू कॉपी है। दोस्तों जिन लोगों ने अगर मदीना शरीफ नहीं देखा है या नहीं गए हैं तो आप ये गुम्बद शरीफ को देख कर मदीना शरीफ को याद कर सकते हैं। ये देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की हूबहू कॉपी। तो दोस्तों अभी हम बाबा जान के रोज़े पर चलते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यारत कराता हूँ और जो भी यहाँ से कुछ मुख्तसर बातें मालूम पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मेरे वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए चलते हैं हम बाबा जान के रोज़े पर हाज़िरी के लिए। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आप स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। हज़रत शाह मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप हिंदुस्तान में कच्छ में दरिया के रास्ते हिंदुस्तान आए थे तो इसलिए आपको दरिया पीर के नाम से भी जाना जाता है। आपका दूसरा नाम शाह मुराद सानी खिज़्र रहमतुल्लाह अलैह भी जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा सन 2001 में कच्छ में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। उस दौर में ये दरगाह शरीफ और यहाँ का एक बहुत बड़ा किला है इसको काफ़ी नुकसान हो गया था। तो उस नुकसान के बाद यहाँ के जो खादिम हजरत हैं, यहाँ के जो गांव वाले हैं, इन लोगों ने मिलकर वापस से दरगाह शरीफ की और मस्जिद की तामीरी काम में हिस्सा लिया। ये देखिए यहाँ पे खादिम साहब बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं दरगाह शरीफ में उनके लिए दुआ करते हैं। दोस्तों ये दरगाह शरीफ के सीधे हाथ की जानिब माशाल्लाह एक मस्जिद तामीर की गई है। ये देखिए, ये अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ दरगाह शरीफ में रोज़े की ज़्यारत के लिए। ये सब तामीरी काम 2001 के बाद में हुआ है माशाल्लाह। देखिए आप कितनी खूबसूरती से ये कारीगरी की गई है। चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। आपका सिलसिला नसब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से 33वीं नस्ल में जाकर मिलता है। रहमत का है दरवाज़ा खुला मांग, अरे मांग। रहमत का है दरवाज़ा खुला मांग, अरे मांग। देता है करम उनका सदा मांग, अरे मांग। देता है करम उनका सदा मांग, अरे मांग। तू मांग ले नबी से मांग ले, तू मांग ले नबी से मांग ले। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत रोज़ा है सरकार शाह मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाबा जान का। आप भी मेरे साथ रोज़े की ज़्यारत कीजिए। सरकार जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनकी हर दिली तमन्नाएं आरजुएं पूरी कीजिए। जो लोग परेशान हाल है, जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, जो लोग बेरोज़गार है, जो लोग बीमारी से मुफ्तिला है, सरकार आप अल्लाह से दुआ कीजिए। जो मेरे YouTube फैमिली से लोग आपका वीडियो देख रहे हैं उनकी हर जायज़ मुराद पूरी होए।
बेरोज़गार को रोज़ी मिले, बीमार को शिफा मिले, जो बच्चियों की शादी नहीं हो रही उनकी उनका रिश्ता अच्छे से अच्छे घरों में हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज हम हज़रत शाह मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाबाजान के रोज़े पे आए हैं। ये यहाँ पर खादिम साहब हैं, हम इनसे कुछ मुख्तसर बातें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद तफसीरुल हक बुखारी। सैयद तफसीरुल हक बुखारी। बुखारी बाबाजान के बारे में कुछ बातें बताइए ना। आप हज़रत शाह मुराद बुखारी बुखारा जो है रशिया, उस वक्त में रशिया और ये जो अभी कजाकिस्तान और ये पार्टीशन जो हो गया जी, बुखारा से आप यहाँ पर 1666 में आप यहाँ पे कच्छ आए जी, और 1680 में जी 1680 ईस्वी सन में आपकी वफात हुई जी। और आपका नाम जो है हज़रत शाह मुराद बुखारी और शाह अब्दुल्ला बुखारी, दो भाई आपकी कुछ छोटी मोटी कुछ करामत है? आपकी काफ़ी करामत है, दरिया पीर के नाम से भी फेमस है यहाँ पे जी, और यहाँ पे जो फिशरमैन जो कश्ती वाले जो है फिशिंग में जो दरिया का जो बिजनेस करते हैं जी जी, ये आपके मतलब काफ़ी अकीदतमंद है जी, इनका भी ये अकीदा है कि मतलब जो दरिया में कुछ भी तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होता है इनको जी, आप इनके वसीले से दुआ करते हैं तो आपको उनकी दुआएं पूरी कबूल हो जाती है, बीच समंदर में आपको फ़ायदा पहुंचता है और काफ़ी आपकी करामत है। गैर मुस्लिमों को भी जी ज़्यादा अकीदा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ का एड्रेस बता देंगे, अगर कोई हमारे भाई लोग आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे यहाँ पर? हज़रत शाह मुराद बुखारी दरगाह के नाम से फेमस है जी, और मुंद्रा कच्छ जो अपना गांधीधाम जी से 60 किलोमीटर है जी, और भुज से 52 किलोमीटर है जी, और भुज बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, गांधीधाम भी बाय एयर भी आ सकते हैं और ट्रेन के ज़रिए भी आ सकते हैं। तो ये दरगाह शरीफ की जो गली है, इधर एरिया का नाम क्या है? ये दरगाह शरीफ शाह बुखारी की दरगाह फेमस है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये भाईजान ने अभी हमको बाबाजान के बारे में कुछ मुख्तसर बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अब हम आपको बाबाजान के रोज़े की ज़्यारत कराएं, उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अब हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं इस्माइल पटेल, मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।